धनबाद निबंधन कार्यालय में निबंधन पदाधिकारी की शिकायत पर सदर अनुमंडलाधिकारी ने आज चार दलालों को निबंधन कार्यालय परिसर से दबोचा। दरअसल एसडीओ को लगातार दलाली और फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ ने लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार निबंधन कार्यालय में विगत कई महीनों से अवैध वेंडर द्वारा सरकारी जमीन के खाता प्लॉट में हेराफेरी कर उसे बिकाऊ बनाकर बेचने का गोरखधंधा यहां अरसे से चल रहा था। मेरे सूचना मिली थी कि यहां पे काफी बिचौलियों के द्वारा यहां पे गलत भूमि का दस्तावेज का निबंधन कराया जा रहा है और कुछ लोग जो कि डीड राइटर नहीं है उनके द्वारा भी अवैध रूप से यहां पे डीड राइटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी के लिए छापेमारी के लिए मैं यहां पे चार लोगों को आपने पकड़ा भी है, क्या जांच में क्या कुछ सामने उनसे पूछताछ की जाएगी क्यों यहां पे थे कैसे थे उसके बाद हम लोग उस पे आवश्यक प्रक्रिया कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में पकड़े गए दलालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं छापेमारी के बाद अवैध वेंडरों में हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।